खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। कुशीनगर में देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। यहां उन्हें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मिल सकेगी। खास बात तो यह है कि ये अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां समाज के उस तबके को शिक्षा मिल पाएगी जिसे लोग आम तौर पर स्वीकार नहीं कर पाते। ट्रांसजेंडर भी करेंगे पढ़ाई। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर के लिए खुलेगी पहली यूनिवर्सिटी। सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने रखी आधारशिला। भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा की नई पहल। यहाँ किन्नर या ट्रांसजेंडर का नाम जहन में आते ही उनकी एक अलग ही छवि उभर कर हमारे सामने आती है। एक ऐसा समाज जो जन्म के साथ ही अपने हक के लिए संघर्ष करता नजर आता है। समाज आज भी उन्हें अपनाने से कतराता है। ऐसे हालात में उनके लिए उच्च शिक्षा तो किसी बड़े सपने के पूरा करने जैसा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर में देश के पहले ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने इसका शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी पहला विश्वविद्यालय होगा जहां उन्हें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हासिल हो पाएगी। न सरकार का कोई कार्यक्रम है, न कोई विद्यालय है, न कोई विश्वविद्यालय है, तो यह समाज आज भी अंधेरे में भटक रहा है और शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। इसलिए मैं इस समाज को चुना कि इनको भी मैं शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ सकूँ। कितना जानते हैं इनके बारे में? क्या आपने इनके बारे सर इनके बारे में मेरा मैंने PhD किया है, मैंने रिसर्च किया है व्यवहारिक रूप में भी, और इनके साथ रहा हूँ, खाया हूँ, इनकी समस्याओं को जाना है, इनके साथ रहा हूँ और इनकी संवेदना को समझा है कि यह किस तरह से अपना जीवन मांग के करते हैं, बधाई गा के, घूम के, नाच के, गा के, इस सारी स्थिति को मैं जानता हूँ। आपको बता दें कि नकटहा मिश्र गाँव के निवासी कृष्ण मोहन मिश्र ने किन्नरों के दुख और दर्द को समझते हुए उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया और अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट बनाकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जी जान से जुटे। पहले चरण में प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत होगी, उसके बाद विस्तार करते हुए जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय संचालित होगा। CBSE बोर्ड के पैटर्न से इसे संचालित किया जाएगा। इसमें अगले सत्र से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं नकटहा मिश्र गांव में जहां देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की आधारशिला देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने रखी है। इस विश्वविद्यालय के बन जाने से समाज के उस तबके को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा जो अभी तक शिक्षा के क्षेत्र से में काफी पिछड़ा हुआ है। साथ ही यह विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय भी होगा जो कुशीनगर में स्थापित हो रहा है। कुशीनगर से R9 के लिए मनीष मिश्रा।